ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. காமிகா ஏகாதசி மகாராணி கீ ஜெய். யுதிஷ்டிர் நே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சி பூச்சா, கோவிந்த் வாசுதேவ் ஆப்கோ மேரா நமஸ்கார் ஹை. ஸ்ராவண் மாஸ் கே கிருஷ்ண பக்ஷ மே கோன் சி ஏகாதசி ஹோத்தி ஹை, கிருப்பயா உஸ்கா வர்ணன் கீஜியே. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண போலே, ராஜன் சுனோ, மே துமே ஏக் பாபநாஷக உபக்யான் சுனாதா ஹூ, ஜிசே பூர்வ கால் மே பிரம்மா ஜீனே நாரத் ஜிக்கு பூச்சனே பர் உன்னே சுனாயா தா. நாரத் ஜீனே பிரஷ்ன கியா, ஹே பகவன், ஹே கமலாசன், மே ஆப்சே யஹ சுன்னா சாத்தா ஹூ கி ஸ்ராவண் கி கிருஷ்ண பக்ஷ மே ஜோ ஏகாதசி ஹோத்தி ஹை உஸ்கா க்யா நாம் ஹை, உஸ்கே தேவதா கோன் ஹை, ததா உஸ்ஸே கோன் சா புண்ய ஹோத்தா ஹை. ஹே பிரபு, யஹ சப் கிருபா கர்கே முஜே பத்தாயே. பிரம்மா ஜி நே கஹா, நாரத் சுனோ, மே சம்பூர்ண லோகோ கே ஹித் கி இச்சா சே துமாரே பிரஷ்ன கா உத்தர் தே ரஹா ஹூ. श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है. कामिका एकादशी महारानी की जय. उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है. उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन, श्री कृष्ण की अलग अलग नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए. भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभता से नहीं प्राप्त होता. सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है उससे भी अधिक फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है. जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वह दोनों समान फल के भागी होते हैं. जो ब्याई हुई गाय को अन्याय सामग्रियों सहित दान करता है, अनन्याय सामग्रियों के साथ दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है. जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं का पूजन हो जाता है. अतः पाप बीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन अवश्य करना चाहिए. जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहते हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है. आध्यात्मिक वेदा परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है. कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है. लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान उतने संतुष्ट नहीं होते जितने के तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं. जिसने तुलसी दल की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके
जन्म भर का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। या दृष्टा निखला घस घशमनी स्पृष्टा वपुषा पावनी रोगाणाम अभिवंदिता नरसी सक्तांतक त्रासिनी प्रत्यासत्ति विधायिनी भवतः कृष्णस्य संरूपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थात जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बना देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण कर देती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों पर चराने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को हम नमस्कार करते हैं। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलाया जाता है उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त हो जाते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली एकादशी है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। इस एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करना चाहिए। कामिका एकादशी महारानी की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।